21वीं सदी में देश जा रहा जो आईटी के माध्यम से काम होंगे, तो हमने हमारे भूप्रबंध अधिकारी सेटलमेंट कमिश्नर भी आए हुए हैं स्टेट के इंचार्ज, हमने धरा एफ जैसे 2008 से यूपीए सरकार ने डी आई एल आर एम पी के नाम से एक स्कीम शुरू की जिससे लैंड रिकॉर्ड भूमि का ऑनलाइन हो, तो बिना पटवारी जी, बिना तहसीलदार जी, बिना एसडीएम साहब, बिना कलेक्टर साहब, बिना किसी अधिकारी के स्वयं किसान अपने मोबाइल पे अपनी जमीन की स्थिति देख सकता है। दूसरा, डिजिटाइजेशन जो सर्टिफिकेट सिग्नेचर से जो नकल निकल गई उसे बैंक से लोन ले सकता है। अब हम इसको और आगे बढ़ा रहे हैं ताकि आने वाले समय में नामांतरण में जो 47 डेज का जो टोटल प्रक्रिया है उसको हम कम करने जा रहे हैं, थोड़े दिन कम रहेगा, उसके बाद जो पूरा सर्वे रिसर्वे हो जाएगा तो स्वतः ही इधर मृत्यु सर्टिफिकेट बना नहीं, पंचायत से हम सॉफ्टवेयर को जोड़ रहे हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, मृत्यु सर्टिफिकेट बनते ही नामांतरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसमें टाइम बोन रहेगा, जिससे स्वतः ही नामांतरण डिम्ड की तरह आए, ये हमारा प्लान है। लेकिन जो अभी हम करने जा रहे हैं वो तो हम सरलीकरण कर रहे हैं, जो पूरा ऑनलाइन सिस्टम आ जाएगा तो आप देखोगे, और ये सोच अशोक गहलोत जी की हम बहुत जल्दी इस चीज़ का करें ताकि बिना बैंक में किसान जाए, कहीं नोड्यू नहीं लेना पड़े, कहीं नकल के लिए पटवारी जी के पास नहीं जाना पड़े, और वहाँ एक घंटे में अपना लोन स्वीकृत करके रहननामा दर्ज होकर सारी प्रक्रिया एक ही जगह हो, इस तर्ज पे सरकार जाना चाह रही ताकि लोगों को राहत मिले। सर, बजट दिया, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम नहीं है, इनका एक ही एजेंडा है, 100 से ज़्यादा बुद्धिजीवी लोग हैं, साहित्यकार हैं, उन लोगों ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है, ये भारत देश एक अखंड देश, धर्मनिरपेक्ष देश रहा है। आपने देखा होगा जो जो घटनाएं घटी उनकी नेचर क्या थी, इनका भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है कि शानदार बजट को भुलाओ, भाईचारा खत्म करो और वोट हासिल करो, अच्छे दिन लाने के जो वादे किए हैं, 15 लाख खाते में डालने के जो वादे किए हैं, काले धन लाने के जो वादे किए हैं, पेट्रोल डीजल 35 रुपये लीटर करने का जो वादा किया, गैस के सिलेंडर निःशुल्क देने का जो वादा किया, उनको भुलाने के लिए ऐसे दंगे कराए जा रहे हैं कि उनका सेट एजेंडा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा सबको, गांव में एक घर है चाहे गांव में 100 घर है, चाहे किसी भी धर्म के हों, सबको एक नज़र से, जो सनातन धर्म की जो नीति है, सनातन धर्म से ही बाबा साहब ने कानून बनाया अम्बेडकर जी ने, उस तर्ज पे कांग्रेस पार्टी चल रही है। एक उद्देश्य है, भारतीय जनता पार्टी का कोई उद्देश्य नहीं, केवल इस देश के साथ। देखो, जो देश आज़ाद हुए उनकी स्थिति, वो एक है भारतीय जनता पार्टी की तर्ज पे चलें, एक धर्म पे चलें, उनकी क्या हाल हुई, और जो सर्वधर्म सनातन धर्म में चीज़ कही गई है कि विश्व का कल्याण हो, प्राणी मात्र की रक्षा हो, ये चीज़ कांग्रेस पार्टी लेके चल रही है, इसी पे, इसी चीज़ को मिटाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसीलिए ये दंगे कराने का एक प्रोजेक्ट है। जहाँ जहाँ इनके नेता आते हैं इनको डायरेक्शन दे रखे हैं कि वहाँ दंगे कराओ लोगों की याददाश्त को, लेकिन ये गलती कर गए कि यहाँ अशोक गहलोत जी ने शानदार बजट दिया, समय से पहले ही आगे निकल रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि हम चुनाव भी जल्दी करा लें, इसे दंगे करा के, ताकि हमें वोट हासिल हो। केवल सत्ता हथियाने का काम भारतीय जनता पार्टी का है, इसलिए ये काम करवा रहे हैं, बाकी कांग्रेस पार्टी सबको एक साथ रखने का काम कर रही है, विकास करना चाहती, बेरोजगारों को रोजगार देना चाहती, आम लोगों की मदद करना चाहती, इसी चीज़ों से भटकाने का, ध्यान भटकाने का काम वो करना चाहती है। लगभग 5600 पटवारी ऐसे ही, तहसीलदार जी, नायब तहसीलदारों की ट्रेनिंग चल रही है, भर्ती की अभी, और नई निकाल रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें जब आईटी के माध्यम से आ रहे हैं, अभी कितने वर्षों बाद भर्ती हो रही थी, बड़ी बल्क संख्या में भर्ती आ रही है, शायद कोई पटवार मंडल खाली नहीं रहेगा आने वाले कुछ टाइम के बाद में। हमने भर्ती टाइम भी कम किया है, पहले 18 माह से 9 माह, 9 से 6 माह किया है, हम जिले में ट्रेनिंग भेजेंगे, जो 7 सेंटर हैं हमारे, कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री से मंजूरी लेके कि इसको हर जिले में लगाएं, वहीं ट्रेनिंग करें, वहीं लोगों के काम करें, ऐसी प्रक्रिया अपना रहे ताकि मेन पावर से लोगों के काम हो।